आपने नदी या समुद्र के बीच पुल बने हुए जरूर देखे होंगे। आपने देखा होगा कि कई नदी पर तो पुल पिलर के सहारे टिके रहते हैं। इन पिलर्स को देखकर कभी आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस नदी के बहाव के बीच इन पिलर को कैसे बनाया गया होगा और पुल बनाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो आज हम आपको जवाब बताते हैं कि आखिर नदी के बीच में पुल का निर्माण कैसे किया जाता है। वैसे नदी पर बनने वाले पुल कई तरीके के होते हैं। नदी पर बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज बनाए जाते हैं। पिलर वाले पुल बनाने के लिए पहले पानी की गहराई, पानी की बहने की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी की क्वालिटी, ब्रिज बनाने पर पड़ने वाला भार और ब्रिज बनने के बाद गाड़ियों के भार आदि पर गहरा रिसर्च किया जाता है। इस रिसर्च के बाद ही पुल बनाने का काम शुरू होता है। पुल में भी नींव बनाई जा सकती है और पूरे प्रोजेक्ट के आधार पर नींव को लेकर पहले भी प्लान बना लिया जाता है। वैसे पानी के बीच रखी जाने वाली नींव को कॉफर डैम कहते हैं। एक कॉफर डैम इस तरीके से ड्रम के जैसे होते हैं जिन्हें क्रेन आदि के माध्यम से पानी के एकदम बीच में स्थापित किया जाता है। यह कॉफर डैम स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स के जरिए बनाया जाता है। यह कॉफर डैम गोल या स्क्वायर हो सकता है और यह पुल बनाने नदी आदि पर निर्भर करता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो यह ड्रम की तरह होता है या फिर जो आपने मेलों में मौत का कुआं देखा होगा ये उसी तरह होता है जो काफी मजबूत और स्टील से बनाया जाता है। इसे पानी के बीच रख दिया जाता है जिससे पानी आसपास से उसके अंदर ना जा सके और उसे जमीन में जितना हो सके अंदर धंसा दिया जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो भी पानी होता है उसे बड़े मोटर की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इस कॉफर डैम के नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है और वहाँ पिलर बनने का काम शुरू होता है। इसके अंदर जाकर इंजीनियर काम करना शुरू कर देते हैं और मजबूत पिलर बनाते हैं। पुल बनाते वक्त आधे से ज्यादा काम दूसरी साइड पर चलता है जहाँ पुल के ब्लॉक्स वगैरह बना दिए जाते हैं। ऐसा करने के बाद एक दूसरे पिलर के बीच ब्लॉक्स को सेट करते हुए पुल बनाया जाता है। वैसे कई बिना पिलर वाले पुल भी बनते हैं जिसका निर्माण अलग तरीके से किया जाता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस अजीबोगरीब ट्रिक के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।